Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, my dear students. Hope you will enjoy good health at your home. Today we will discuss and explain chapter number 13, safety. Dear students, safety means free from danger. Pyare bachcho, safety ka matlab hai salamti, hifazat, mehfooz rehna, yani mukhtalif khatrat se mehfooz rehna. My dear students, safety is the state of being safe or the condition of being protected from harm or other undesirable outcomes. There are various hazards which can be faced at home or outside, such as electric shocks, fire burns, injuries, and from broken glass or walls. Pyare bachcho, hum ghar mein aur ghar se bahar beshumar kisam ke khatrat se या हादसात से दुचार हो सकते हैं, जिनमें इलेक्ट्रिक शॉक्स हैं, फायर बर्न्स यानी कि आग से जल जाने के वाकयात, इंजरीज हैं जो कि आपको ब्रोकन ग्लास की वजह से या वॉल्स की वजह से या डैमेज रूफ की वजह से हो सकती हैं. इन मुख्तलिफ हादसात से हम हर वक्त घर के अंदर और बाहर दुचार हो सकते हैं. सो माई डियर स्टूडेंट्स, we will discuss some indoor safety rules and outdoor safety rules in this chapter. My dear students, first we will read indoor safety rules. Beta, remember this, safety begins from home. To play it safe around your home, just remember the rules for using electricity the right way. Beta, rules are for us and safety rules keep us safe from accidents and danger. There are some important safety rules which we have to follow in our house while we using electricity. Beta, electricity Allah Taala ki bahut badi ne'mat hai aur ye bahut faydamand hai agar hum isko sahi tarike se use karein. Lekin agar hum isko properly use na karein aur in rules ko follow na karein to hum isse bahut zyada nuksan utha sakte hain, yani ki electricity nuksandeh bhi sabit ho sakti hai. So beta, hame ghar mein jo hai जब भी हमारा सबसे ज़्यादा वास्ता जो है इलेक्ट्रिसिटी से ही पड़ता है, तो हम जब भी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करें तो हमें इन रूल्स को फॉलो करना चाहिए. नंबर वन है, डोंट प्लग टू मैनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इनटू वन एक्सटेंशन कॉर्ड. हमेशा याद रखें बेटा कि किसी भी एक्सटेंशन कॉर्ड में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस नहीं यूज़ करने. उससे क्या होता है, उससे आपका पूरा जो है घर का इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वो पूरा डैमेज हो सकता है. और अक्सर बेटा आग लगने के वाक़यात जो होते हैं वो भी इसी तरह होते हैं. डोंट यांक एन इलेक्ट्रिकल कॉर्ड फ्रॉम द वॉल. और बेटा हमेशा याद रखें कि जब भी आप किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को, आपका एलसीडी है, आपके आयरन है, आप जब भी उसको प्लग में से निकालें तो हमेशा उसे प्रॉपर स्विच से पकड़ के निकालें, बल्कि उसको वायर के साथ पकड़ के मत खींचें. इससे क्या होगा, इससे आपका जो भी वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है वो डैमेज हो सकता है, आपका प्लग ख़राब हो सकता है और इस तरह से आपको इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है. नंबर थ्री, टू मेक श्योर ऑल इलेक्ट्रिक कॉर्ड्स आर टक्ड अवे नीट एंड टाइडी. बेटा हमारे घर में हर वक्त मुख्तलिफ तरह की तारें होती हैं, हमें उनको प्रॉपर बांध कर साफ़ सुथरा रखना चाहिए. ये ना हो कि हमारे घर में हर जगह पर तारें ही तारें नज़र आ रही हैं. बॉयज़ घर में छोटे बच्चे होते हैं, पेट्स होते हैं, हमें पता नहीं चलता, पेट्स जो हैं उनको अपने मुंह में चबा लेते हैं, जिससे क्या होता है तारों पे कट लग जाता है. तो उन कट्स की वजह से आपके, आप नंगे पैर अगर वहाँ पे चल रहे हैं तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है. और दूसरा जो है, तारों में उलझकर बच्चे भी बड़े भी गिर सकते हैं. ठीक है, नंबर फोर बेटा है, टू आस्क अ ग्रोन अप फॉर हेल्प. बेटा जब भी आप किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को यूज़ करें, आपको ऐसी ज़रूरत हो तो हमेशा अपने घर में अपने पेरेंट्स को, अपने एल्डर्स को कहें कि वो उसको यूज़ करने में आपकी हेल्प करें. ठीक है, नंबर फाइव है, डू लुक अप एंड लुक आउट फॉर पावर लाइंस बिफोर यू क्लाइंब अ ट्री. बॉयज़ जब भी कभी आप कहीं किसी ट्री पर चढ़ें तो हमेशा याद रखें कि दरख्तों के ऊपर जो हैं
वहाँ से बिजली की मेन पावर लाइन जो हैं वो गुजर रही होती हैं, तो आप जब भी किसी दरख्त पे चढ़ें तो आप उसको केयरफुली देख लें, ये ना हो कि आप उन तारों में उलझ जाएं, क्योंकि बिजली के जो दरख्त की ब्रांचेस होती हैं उसमें तारें प्रॉपरली विजिबल नहीं होती। तो फिर आप उसको केयरफुली दरख्त पे चढ़ें, आप उन इस तरह अगर आप केयरफुली नहीं चढ़ेंगे तो आप उन तारों में उलझ सकते हैं। नंबर 6, डोंट एवर क्लाइंब द फेंस अराउंड एन इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन। बेटा, अगर आपका प्लेइंग एरिया या आपका ग्राउंड जो है वो किसी ऐसी जगह पर है जिसके पास कोई इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन है, तो जब कभी भी आपकी बॉल या फिर आपका पेट जो है उस फेंस से अंदर चला जाए उस सब स्टेशन में, तो आपने कभी भी खुद उसमें जाने की या अपने बड़ों को भेजने की गलती नहीं करनी। आपने बल्कि अपने बड़ों को बताना है, उन्होंने इलेक्ट्रिक कंपनी के जो भी मुलाजमीन हैं वहाँ कॉल करके तो वो आपकी हेल्प करेंगे और आपका जो बॉल या फिर आपका पेट अंदर गया है तो उसको निकालेंगे। आपने खुद उसके अंदर एंटर होने की गलती कभी नहीं करनी। नंबर 7, टू रिमाइंड योर मॉम एंड डैड टू वॉच आउट फॉर पावर लाइन्स। बेटा, हमेशा घर में जो है लैडर का यूज़ होता है बहुत सारे कामों के लिए, चेन सॉ यूज़ करते हैं, तो बेटा जब भी आपके पेरेंट्स जो है आपके बड़े जो हैं उसको यूज़ करें तो हमेशा उनको ये रिमाइंड करवाएं कि घर के बाहर जो है बिजली की पावर लाइन्स गुजर रही होती हैं। सो बी केयरफुल बेटा कि उसको जब भी आप लैडर यूज़ करें तो बहुत ध्यान के साथ। नंबर 8 है, डू कीप इलेक्ट्रिकल स्टफ़ फार अवे फ्रॉम वाटर। मेरा ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि बिजली के जो इलेक्ट्रिकल हमारा स्टफ़ है, जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, उसके पास कभी पानी का इस्तेमाल नहीं करना। मोस्टली घरों में जो एक्सटेंट्स होते हैं वो भी इसी वजह से होते हैं कि हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के पास पानी का इस्तेमाल करते हैं। और कभी भी आपके वेट हैंड हों तो आपने कभी भी अपने LCD को, आयरन को, किसी भी बिजली की चीज़ को आपने हाथ नहीं लगाना, इससे आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। बेटा, ये कुछ रूल्स आपके बुक में दिए हुए थे, कुछ इंडोर रूल्स हैं और इनमें कुछ आउटडोर रूल्स भी हैं जिनको आपने मस्ट फॉलो करना है जब भी आप कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को यूज़ करें। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे लिए एक बहुत अच्छी पोइम जो है आपकी बुक में दी हुई है, जो कि आपके सेफ्टी रूल्स में आती है, नेवर हाइड। ठीक है, नेवर हाइड मीन्स बेटा कभी नहीं छुपाना। आपने क्या चीज़ कभी नहीं छुपानी जो आपकी सेफ्टी के लिए ज़रूरी है? चलें हम देखते हैं आए। वेन एवर यू गो आउट टू प्ले एंड योर ड्रेस गेट्स डर्टी विद क्ले, वेदर ग्लूमी और अप्राइट डे, एनीथिंग गुड और बैड, ऑलवेज टेल योर मॉम एंड डैड। बेटा, जब भी आप कभी, वेन एवर यू गो आउट टू प्ले, जब भी आप कभी खेलने के लिए बाहर जाएं, आपका ड्रेस जो है क्ले से डर्टी हो जाए या किसी भी तरह से डर्टी हो, वेदर ग्लूमी, ग्लूमी कहते हैं बेटा तारीख को, अंधेरे को, बेशक वो अंधेरा हो, रात का वक्त हो, शाम का वक्त हो, और अब ब्राइट डे या फिर एक रोशन दिन हो, आपके साथ कोई भी गुड हो, कोई भी अच्छी चीज़ हो, कोई अच्छी बात हो और बैड, या कोई बुरी बात हो, कोई बुरी चीज़ हो, ऑलवेज़ टेल योर मॉम एंड डैड। तो आपने अपने पेरेंट्स को मस्ट बतानी है, कोई बात जो है, कोई अच्छी चीज़, कोई बुरी चीज़, उसको कभी भी हाइड नहीं करना। ठीक है, समवन टच्स यू गुड और बैड, कोई भी बंदा बेटा आपको टच करे, इफ़ यू फील गुड और इफ़ यू फील बैड, नेवर एवर शुड यू गेट सैड, शो हिम एंगर और गेट मैड, एनीथिंग गुड और बैड, ऑलवेज टेल योर मॉम एंड डैड। बेटा, आपको कोई भी टच करे, बेशक आपके कज़न हों, आपके बड़े फ्रेंड्स हों, आपके स्ट्रीट में हों, कोई भी, इफ़ यू फील गुड और यू फील बैड, आपने कभी उसमें सैड नहीं होना, आपने उदास नहीं होना, आपने डरना नहीं है, शो हिम एंगर, आपने उसको अपना सख्त गुस्सा दिखाना है, और कुछ भी आपके साथ अच्छा हो, इफ़ यू फील गुड, इफ़ यू फील बैड, आपने हमेशा अपने पेरेंट्स को मस्ट बताना है। इफ़ अ स्ट्रेंजर गिव्स यू समथिंग, अगर कोई स्ट्रेंजर आपको कुछ दे, ऑल यू हैव टू डू इज एक्सेप्ट नथिंग, आपने उससे कुछ एक्सेप्ट नहीं करना, ऑलवेज बी अवेयर ऑफ हु इज़ लीडिंग, एनीथिंग गुड और बैड, ऑलवेज टेल योर मॉम एंड डैड। बेटा, हु इज स्ट्रेंजर, अ पर्सन हु यू डोंट नो ए स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर कौन है, जिसको आप नहीं जानते हो, आज जिसको आपके पेरेंट्स ने आपसे इंट्रोड्यूस ना कराया हो, तो वो स्ट्रेंजर है। तो आपने किसी स्ट्रेंजर्स को जो है, जब भी वो आपको कुछ दे, आपने किसी स्ट्रेंजर से कोई चीज़ नहीं लेनी। बेटा, नेवर
टॉक विद अ स्ट्रेंजर, आपने किसी स्ट्रेंजर से बात नहीं करना. डू नॉट ईट एनी थिंग इवन बाय अ स्ट्रेंजर, आपको कोई स्ट्रेंजर कोई चीज़ दे तो आपने उससे कोई चीज़ नहीं लेनी. मोस्टली क्या होता है बेटा, बहुत सारे अगवा के वाक़यात जो हैं वो इसी तरह होते हैं कि कोई स्ट्रेंजर अजनबी जो है बच्चे को अट्रैक्ट करने के लिए कोई टॉफ़ी या कोई टॉय जो है वो दे देता है, और वो बच्चा जब वो टॉय ले लेता है या टॉफ़ी ले लेता है तो वो स्ट्रेंजर जो है उससे दोस्ती कर लेता है. तो इसी जो है लेने की वजह से जो बच्चे का कॉन्फिडेंस है वो स्ट्रेंजर पे आ जाता है, और वो फिर क्या है, वो स्ट्रेंजर इसी चीज़ का फ़ायदा उठाता है और फिर वो नुकसान कर देता है. ठीक है बेटा, इन केस ऑफ एनी डेंजर ऑलवेज शाउट फॉर हेल्प. आपको जब भी कहीं पे ख़तरा महसूस हो तो आप फौरन हेल्प के लिए शाउट करें. ठीक है, इफ़ एनी स्ट्रेंजर चेसेस यू, इफ़ यू फील यू आर इन डेंजर, व्हाट यू नीड टू डू, आपको क्या करना चाहिए बेटा, यू शुड इन्फॉर्म पीपल अराउंड यू. आपके इर्द गिर्द जो पीपल हैं आपने उनको इन्फॉर्म करना है. इफ़ एनीबडी ट्रबल्स यू इन क्लास और आउटसाइड द क्लास, बेटा शेयर इट विद योर पेरेंट्स एंड शेयर इट विद योर टीचर. डू नॉट हाइड एनीथिंग फ्रॉम योर पेरेंट्स, एनीथिंग फ्रॉम योर टीचर. डू नॉट शेयर बेटा एनी योर सीक्रेट, योर फैमिली डिटेल्स विद सच स्ट्रेंजर्स, और डू नॉट हाइड एनीथिंग फ्रॉम योर पेरेंट्स, फ्रॉम योर टीचर. बेटा आपको पता है स्ट्रेंजर्स जो है मुख्तलिफ तरीके से बच्चों के साथ जो है वो दोस्ती करते हैं, उनको मुख्तलिफ तरीके से बहला फुसला के जो है वो अपने साथ जो है वो जो है अपने उनके साथ जो है बच्चों को अगवा कर लेते हैं. आप देखें यहाँ पर जो है मुख्तलिफ तरीके हैं जिससे बच्चों को जो है वो अगवा किया जाता है. ये देखें कोई कहती है देखें मैं तुम्हारी अम्मी की दोस्त हूँ, उन्होंने मुझे तुम्हें खाला के घर ले जाने का है. इस तरह से स्ट्रेंजर जो है मुख्तलिफ बहानों के साथ ये देखें आपसे जो है बात करने की या बच्चे को अपने साथ ले जाने के लिए मुख्तलिफ तरह के झूठे बहाने बनाते हैं, बच्चों को डराते हैं. तो आपने उनसे डरना नहीं है. ठीक है, आपने हमेशा जब भी ट्रबल में फील हो तो आपने शाउट करनी है. ठीक है बेटा, अब यहाँ पे कुछ और आउटडोर सेफ्टी रूल्स दिए हैं जिनको हमें ज़रूर फॉलो करना है जब भी हम घर से बाहर जाएँ. ठीक है, इसमें देखें डू नॉट प्ले ऑन अ बिज़ी रोड. कभी आपने किसी बिज़ी रोड पे नहीं खेलना बेटा. रोड्स आर नॉट नॉट फॉर प्लेइंग, रोड्स हैं वो प्लेइंग एरिया नहीं होते, इसलिए कभी रोड के ऊपर नहीं खेलें. ठीक है, क्रॉस द रोड केयरफुली, आपने रोड को हमेशा केयरफुली क्रॉस करना है. ठीक है, ओबे द ट्रैफिक रूल्स एंड ऑब्जर्व ट्रैफिक लाइट केयरफुली. अगर आप गाड़ी में हैं तो आपने ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना है और ट्रैफिक लाइट है उनको केयरफुली आपने ऑब्जर्व करना है. ठीक है बेटा, ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, हमेशा आपने फुटपाथ के ऊपर से चलना है. ऑलवेज क्रॉस द रोड एट द ज़ेब्रा क्रॉसिंग, और जब भी आप रोड को क्रॉस करें तो हमेशा ज़ेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करें. ठीक है बेटा, एंड डू नॉट टच इलेक्ट्रिसिटी पोल्स, आपने कभी भी इलेक्ट्रिसिटी पोल्स को टच नहीं करना. इलेक्ट्रिसिटी पोल्स जो हैं वो खेल के नहीं के लिए नहीं होते हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो कर रहा होता है, इस तरह आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है. नंबर फोर्थ रूल दिया हुआ इधर बेटा आपकी बुक में दिया हुआ है, डू नॉट टच और टेक एनी थिंग फ्रॉम स्ट्रेंजर. कि आपको मैंने बताया कि आपने किसी स्ट्रेंजर से कोई चीज़ नहीं लेनी, उसको किसी स्ट्रेंजर को आपने टच नहीं करना. नंबर फाइव है, बी केयरफुल स्पेंडिंग टाइम नियर वाटर. बेटा अगर आप कहीं किसी ऐसी जगह पिकनिक के लिए जाते हैं जहाँ पे पानी है, किसी लेक के पास जाते हैं, तो आपने वहाँ बहुत केयरफुल रहना है. क्योंकि बेटा और वहाँ पे हमेशा स्विम तब करना है जब आपके पास कोई आसपास जो है कोई लाइफ गार्ड हो या आपके पेरेंट्स हों आपके साथ, तो आपने तब जो है स्विम करना है. डू नॉट रन ऑन द पाथ नेक्स्ट टू द पोल, इट कैन बी स्लिपरी. आपके जो पोल है अगर पोल के पास हैं तो उसके जो आस पास का जो एरिया होता है, उसका जो साइड में छोटी जगह होती है जो पाथ होता है, वहाँ पे आपने रनिंग नहीं करना क्योंकि वो एरिया जो होता है वो स्लिपरी एरिया होता है. वहाँ पर जो है आप पानी में स्लिप कर सकते हैं. ठीक है बेटा, ये कुछ बहुत जो है बहुत यूज़फुल कुछ रूल्स आपके लिए दिए हुए थे, आउटडोर सेफ्टी रूल्स. आपने हमेशा जब भी घर से बाहर जाना है तो इन रूल्स को फॉलो करना है बेटा. ये रूल्स आपकी सेफ्टी के लिए हैं. ठीक है, अब बेटा हमने पढ़ना है नेचुरल डिज़ास्टर और मैन मेड डिज़ास्टर. बेटा व्हाट इज़ नेचुरल डिज़ास्टर, नेचुरल डिज़ास्टर्स आर कॉज्ड बाय नेचुरल फोर्सेस. नेचुरल डिज़ास्टर्स क्या होते हैं, यानी कि नेचुरल डिज़ास्टर, डिज़ास्टर कहते हैं आफात को. ठीक है, यानी कि कुदरती आफात, वो आफात जो कि नेचुरल फोर्सेस की वजह से आती हैं, और इनको हम कुदरती आफात यानी कि नेचुरल फोर्सेस कहते हैं, नेचुरल डिज़ास्टर्स कहते हैं. ठीक है, जो नेचुरल फोर्सेस की वजह से आती हैं, इन फॉर एग्ज़ाम्पल हैं सुनामीज़ हैं, फ्लड्स हैं, लैंडस्लाइड्स, हुरिकेन्स हैं, वाइल्ड फायर्स हैं, ड्रॉट्स हैं,
अर्थक्वेक्स वगैरह, स्टेप्स कैन बी टेकन टू मिनिमाइज द इफेक्ट्स. बेटा हम इन नेचुरल डिजास्टर्स को रोक तो नहीं सकते, बट हम जो हैं स्टेप्स ले सकते हैं ताकि इनके जो इफेक्ट्स हैं उनको हम मिनिमाइज कर सकें, कम से कम कर सकें इनके नुकसान को. ठीक है बेटा, इसके बाद जो है मैन मेड डिजास्टर्स. बेटा मैन मेड डिजास्टर्स क्या होते हैं? मैन मेड डिजास्टर्स आर कॉज्ड बाय द एक्टिविटीज़ ऑफ मैन. वो डिज़ास्टर्स, वो तबाहकारियाँ जो कि मुख्तलिफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से होती हैं, इनको हम मैन मेड डिज़ास्टर्स कहते हैं. यानी मुख्तलिफ इंसानी सरगर्मियों की वजह से जो हादसात होते हैं इनको हम कहते हैं मैन मेड डिज़ास्टर्स. इनके एग्जाम्पल्स में बेटा केमिकल लीकेज है, टॉक्सिक गैस हैं, मुख्तलिफ तरह के एक्सप्लोशंस हैं, लीकेजेस हैं, वॉर्स हैं, ऑयल स्पिल्स हैं, और ये केमिकल और बायोलॉजिकल अटैक्स वगैरह हैं. ठीक है बेटा, मोस्ट ऑफ द मैन मेड डिज़ास्टर्स आर अकर व्हेन सेफ्टी रूल्स आर नॉट मेजर. ठीक है, जब बेटा सेफ्टी रूल को हम फॉलो नहीं करते तो मोस्टली जो मैन मेड डिज़ास्टर्स हैं ये तभी होते हैं. हम इन डिज़ास्टर्स को हम अवॉइड कर सकते हैं केयरफुल प्लानिंग के साथ और मुख्तलिफ प्रिवेंशन मेथड्स को यूज़ करके. ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट पेज पे आप लोग देखें, आपके लिए नेचुरल कुछ डिज़ास्टर्स हैं जिनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है इनकी तफसील. अब सबसे पहले बेटा अर्थक्वेक के बारे में दिया हुआ है. अर्थक्वेक मीन जलजिला. अर्थक्वेक क्या होता है? एन अर्थक्वेक इज़ द शेकिंग ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ. ठीक है, अर्थक्वेक क्या है? एक अर्थ की सडन शेकिंग है, अर्थ की जो सरफेस है उसकी सडन शेकिंग को हम अर्थक्वेक कहते हैं. इसकी वजह से बहुत ज़्यादा तबाही हो जाती है, बहुत घर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़ी बिल्डिंग्स जो हैं, इसके अलावा जो हैं पूरे पूरे शहर जो है इससे तबाह हो सकते हैं. ठीक है, उसके बाद बेटा फ्लड है. फ्लड क्या होता है? एन ओवरफ्लो ऑफ वाटर दैट कवर्स एन एरिया ऑफ लैंड दैट इज़ यूजली ड्राई. बेटा फ्लड क्या होता है? यानी कि तूफान जिसको हम कहते हैं. और ये कब आते हैं? जब बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज़ जो होती हैं, वाटर बॉडीज़ हम किसे कहते हैं, सच इज लैक हो गई, रिवर हो गई, इनमें पानी जो है ओवरफ्लो हो जाता है तो फिर फ्लड आता है. और ये पानी जो है इनमें कब ओवरफ्लो होता है? जब बहुत ज़्यादा बारिशें हों या फिर कहीं स्नो है वो बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में मेल्ट हो जाए, तो वो फिर जो है ये जो बॉडीज़ हैं ये ओवरफ्लो हो जाते हैं. तो फिर क्या होता है कि इन इन रिवर्स के, इन लेक्स के आसपास जो आबादी होती है, फिर ये पानी जो है ओवरफ्लो होकर उस तरफ बह जाता है. तो फिर जो है अपने साथ रास्ते में जो भी आता है वो सबको तबाह करता हुआ ले जाता है, तो इसको हम फ्लड कहते हैं. ठीक है बेटा, उसके बाद स्टूडेंट है फायर. डिस्ट्रक्टिव बर्निंग एज अ ऑफ अ बिल्डिंग. आप देखें तो बिल्डिंग में आपको नज़र भी आ रही है कि बहुत डिस्ट्रक्टिव बर्निंग, यानी कि बहुत बुरी जो है तबाह कुन जो है आग है, इसको हम फायर कहते हैं. ठीक है बेटा, ज़्यादातर जो है फॉरेस्ट फायर होती है वो बहुत डेंजरस होती है, जो ये अनकंट्रोल फायर्स में आ जाती है. लेकिन ये भी 80% जो है फॉरेस्ट फायर भी जो है ये बिकॉज ऑफ डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से लग जाती है. और फॉरेस्ट में बेटा फ्यूल जो है यानी लकड़ी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये जो फायर है बहुत तेज़ी से फैलती है और ज़्यादा तबाही फैलाती है, और हम इसको फिर रोकना भी बहुत मुश्किल हो जाता है. ठीक है, उसके बाद बेटा है नेक्स्ट है टाइफून. टाइफून क्या होता है? एन एक्सट्रीमली पावरफुल एंड डिस्ट्रक्टिव स्टॉर्म. यानी कि बहुत ज़्यादा पावरफुल और डिस्ट्रक्टिव, यानी कि बहुत तबाह कुन जो स्टॉर्म होता है, स्टॉर्म कहते हैं तूफान को, उसको हम जो है टाइफून कहते हैं. ठीक है, तो बेटा होपफुली आपने इसको अच्छा से अंडरस्टैंड किया होगा. बेटा इन जो नेचुरल डिज़ास्टर्स और इनको हम वी कैन नॉट स्टॉप दीज डिज़ास्टर्स, बट बेटा वी कैन टेक सम स्टेप्स टू मिनिमाइज द इफेक्ट. हम इनके जो इफेक्ट्स हैं इनको कम करने के लिए हम स्टेप्स जो हैं वो ले सकते हैं. ठीक है, आई होपफुली बेटा आपने इस चैप्टर को अच्छा सा अंडरस्टैंड किया होगा. अब बेटा हम इसकी एक्सरसाइज को देखते हैं. एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट नेम्स ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर्स. आपने कुछ नेचुरल डिज़ास्टर्स के नाम लिखने हैं जो अभी हमने रीड किया है. देखिए इनमें अर्थक्वेक हैं, सुनामीज हैं, फायर है, नंबर 4 ड्रॉट्स, नंबर 5 फ्लड्स, नंबर 6 लैंडस्लाइडिंग, नंबर 7 टाइफून, नंबर 8 ह्यूरिकेन. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 इज, हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड अ नेचुरल डिज़ास्टर, शेयर विथ योर क्लास. बेटा अगर आपने किसी नेचुरल डिज़ास्टर को एक्सपीरियंस किया है कभी, तो वो आप उसका एक्सपीरियंस जो है यहाँ पे नीचे शेयर कर सकते हैं. यहाँ पर 1, यस वंस आई वाज ट्रैवलिंग विद माय फैमिली टुवर्ड्स हिल स्टेशन, सडनली वी सॉ अ बिग स्टोन रोलिंग फ्रॉम टॉप ऑफ द माउंटेन टुवर्ड्स अस. अवर कार हैड सम डैमेज
बट थैंक गॉड वी ऑल वर सेफ। यहाँ पर एक एक्सपीरियंस लिखा हुआ है आप बेटा, इसके अलावा अगर आपने किसी नेचुरल डिज़ास्टर को एक्सपीरियंस किया है तो यू कैन राइट। क्वेश्चन नंबर 3, राइट व्हाट सेफ्टी मेजर्स यू विल अडॉप्ट इन फॉलोइंग कंडीशन। बेटा इन आप कंडीशंस में आप कौन से सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करोगे। नंबर 1 इज ऑन अ बिजी रोड, कोई बिजी रोड हो तो आप क्या करोगे, आई विल नॉट प्ले ऑन अ बिजी रोड, कि मैं बिजी रोड पे नहीं खेलूंगा, बिकॉज बेटा रोड इज़ नॉट अ प्लेइंग एरिया, रोड प्लेइंग एरिया नहीं है, खेलने के लिए नहीं होती, रोड इज़ अ डेंजरस प्लेस फॉर चिल्ड्रन। नंबर 2 है इलेक्ट्रिसिटी पोल्स, इलेक्ट्रिसिटी पोल्स में आप क्या सेफ्टी मेजर फॉलो करोगे, येस आंसर इज़ आई विल नॉट टच दम, कि मैं उसको टच नहीं करूँगा, बिकॉज बेटा पोल इलेक्ट्रिसिटी पोल्स में जो है इलेक्ट्रिक जो करंट है वो फ्लो कर रहा होता है और इससे आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। नंबर 3 इज़ प्ले एट रोड साइड पार्क, रोड साइड पार्क में आप क्या करोगे अगर खेलना हुआ तो, येस बेटा आई विल बी केयरफुल एंड एक्टिव वाइल प्लेइंग नियर रोड, कि मैं रोड के करीब कहीं पार्क में खेल रहा हूँ तो आई विल बी वेरी केयरफुल, मैं बहुत केयरफुली वहाँ खेलूँगा। और गोइंग ऑन हाइक, अगर आप हाइक पे जाओगे तो आप क्या सेफ्टी मेजर को अडॉप्ट करोगे, येस बेटा आई विल यूज़ प्रिकॉशनरी मेजर्स बिफोर गोइंग टू हाइक। ओके बेटा नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज़ व्हेन समवन स्ट्रेंजर्स गिव यू समथिंग टू ईट, अगर कोई स्ट्रेंजर आपको कोई चीज़ देता है खाने के लिए तो व्हाट विल यू डू बेटा, आंसर इज़ I will not take anything from stranger, कि मैं stranger से कोई चीज़ नहीं लूँगा। ओके बेटा होपफुली आपने इसको अच्छा से अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू बेटा।